जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो ये बताइए किस पे होगी। वो बात कर रहे हैं कि 17 से 22 के पेपर की, कि उसमें भी पहले कहा गया कि 21 वाला पेपर की एक शिफ्ट की बात की गई, ठीक, फिर उन्होंने उसको चेंज करके कहा कि 17 से 22 के पूरे टीयर 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद 9 तारीख को पेपर भी है। तो ये बताइए, अगर सरकार 17 से 22 का पेपर कैंसिल कर रही है, उसकी इंक्वायरी कर रही है, बिना इंक्वायरी के आप पेपर कैसे करा लोगे 9 तारीख वाला? मान लीजिए कि अगर पेपर हो जाता है 9 वाला, तो और इधर जांच भी चलती रहेगी, तो रिजल्ट का क्या होगा? अगर कोई चीटिंग पाई जाती तो 9 का पेपर फिर कैंसिल किया जाएगा। ऐसा तो होगा कि 9 का पेपर एक बार हो गया, फिर वो पेपर जो सत्र बाकी कैंसिल होंगे वो दोबारा होंगे, तो जब पेपर होगा तो सारा साथ में होगा। हमारा कहना है कि गृह मंत्री जी को ये क्लियर करना चाहिए कि जो सीबीआई इंक्वायरी की बात मानी गई है वो किस पे मानी गई है। वो हमारी मांग है पूरी सीबीआई, पूरे एसएससी की, कि एमटीएस के पेपर की भी हो, दो सीएचएसएल की पेपर की बात हो, सीजीएल की हो, सीपीओ की, ये सबकी जांच कराइए। आप ये कैसे कह सकते हो कि जो चीटिंग पहले जो खुराना जी चेयरमैन सर कह रहे थे कि ये चीटिंग का मामला है, आप बताइए चीटिंग का मामला कैसे हो सकता है जहां पे आपको बेल्ट लगा के ले जाना अलाउ नहीं है, पेन नहीं अलाउ है, पेपर नहीं अलाउ है, वहां आप कैमरा ले जाके पेपर आउट हो रहा है, तो ये कैसे? और इनके पर्यवेक्षक क्या कहते हैं? क्योंकि एसएससी जो है हर सेंटर पे पर्यवेक्षक भेजती है, उनकी ड्यूटी होती है पेपर कंडक्ट कराना, उनकी निगरानी में कैसे पेपर आउट हो रहा? हमारा कहना एक ही बात है कि पूरी मांग है सीबीआई एसएससी की मांग है कि एसएससी की जांच हो, पूरे इस जितना एग्जाम कंडक्ट कराया गया इस साल ऑनलाइन उसकी जांच हो। हम माननीय गृह मंत्री की इस बात का समर्थन करते, स्वागत करते हैं, और उन्होंने और अगर वो शाम तक जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो रिलीज करेंगे पूरा इसका फॉर्मेट की क्या है, तो हम उसको पढ़ेंगे और देखेंगे हमारी जो चार मांगे हैं कि एसएससी के सारे एग्जाम की सीबीआई जांच होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए और अंडर सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो हमारी जो मांगे हैं वो सारी पूरी हो रही होंगी, तो वो हम उसको पढ़ेंगे और देखेंगे। तो जब तक हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेट नहीं आएगा, हम उसको पढ़ेंगे, बात करेंगे, तभी ना आपको जानकारी दे पाएंगे।